चुन्नू दादा के नाम से विख्यात मथुरा जनपद न्यायालय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र सक्सेना गत दिवस सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर सोमवार को जनपद न्यायालय परिसर के केंद्रीय कक्ष में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार सिंह सहित अन्य न्यायिक अधिकारी गण और कर्मचारी गण मौजूद रहे। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश ने अपने विचार व्यक्त किए और श्री सक्सेना के लिए ये कहा कि वे सेवानिवृत्त होने के बावजूद स्वयं को सेवानिवृत्त न समझें और समय समय पर न्यायालय परिसर आकर अपना योगदान दें। स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे, ये मेरी मनोकामना है। और जहाँ तक इस फंक्शन का प्रश्न है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह के फंक्शन को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके बीच से अगर 40 साल 35 साल रह के कोई विदा हो रहा है तो उसकी विदाई इसी तरह से होनी चाहिए कि सारे न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहें। जिला जज का रहना तो अनिवार्य है ही, और आप सभी लोग उसका इस तरह से खैर मकदम करें कि उसको एहसास हो कि आप लोगों के बीच से वो आदमी विदा हो रहा है। और आंसू ऐसे ही नहीं आते हैं, 40 साल बिताने के बाद जब प्यार का स्नेह का हाथ पड़ता है तब आंसू छलकते हैं, ऐसे नहीं छलकते। तो आपके अच्छे भविष्य के लिए पुनः मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद। श्री सक्सेना के सेवानिवृत्त होने पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने अपने उद्गार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। अच्छा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन अच्छा तो है ही, क्योंकि जिस दिन हमारी नौकरी लगती है उस दिन डेट फिक्स हो जाती है, रिटायरमेंट तो फिक्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, यहाँ सम्मान मुझे मेरे कर्मचारी साथियों ने दिया है और मैं इनके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। सारे जिला जज महोदय का आशीर्वाद रहा, सारे अधिकारियों ने बड़ा स्नेह मुझे दिया कि 40 साल की नौकरी में मेरे को इतना अनुभव हुआ और सारा कुछ इतना स्नेह मुझे मिलता रहा जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और मैं हर एक कर्मचारी के लिए जब ये लोग याद रखेंगे हमेशा तैयार। चुन्नू दादा के सहयोगी रहे साथियों ने भी उन्हें भावभीनी विदाई अपने उद्गारों के माध्यम से दी। देवेंद्र सक्सेना के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद पर अब श्री गुधेनिया की नियुक्ति हुई है। हमारे देवेंद्र सक्सेना जी बड़े भाई सेवानिवृत्त हुए हैं, इनकी देखरेख में ही हमने आज तक सीखा है कि सेवा में रहना कैसे, नौकरी करनी है कैसे, ड्यूटी देनी है और कैसे एक दूसरे का साथ देना है, कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों का कैसे हमें सम्मान रखना है, बाध्यकारियों के पक्ष को भी देखना है और अपने कार्य को बड़ी सुचारू रूप चलाना है। ये हमने अपने बड़े भाई देवेंद्र सक्सेना से सीखा है। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, एक तरफ तो खुशी है कि इनका सेवाकाल पूरा हुआ है, लेकिन एक तरफ ये भी दुख है कि हमारे बीच से बड़े भाई हमारे इतने आदमी हैं उनको छोड़कर। श्री देवेंद्र सक्सेना जी ने लगभग 40 साल सेवा की है और हम कर्मचारियों का, हमारे कर्मचारियों का इतना सहयोग करते थे, पूछो मत। हमारे पिता समान रहे हैं, हमारे सेंटर नाजिर रहे हैं, मुख्य पदों पर रहे हैं और कार्य में बहुत निपुण थे, हर काम में बहुत तेज थे, सभी को अच्छी शिक्षा प्रदान करते थे। जोर से बोलो। श्री देवेंद्र सक्सेना के आज